कब हम बड़े हो गए पता ही नहीं चला, कब खिलौनों से हुक्के आ गए हाथ में पता ही नहीं चला। कल तक जो जलाते थे फिर करी दिवाली पर आज सिगरेट जलाने लग पड़े, कब हम बड़े हो गए पता ही नहीं चला। जो घर आ जाया करते थे होली पर रंग लगाने, वो आज एक मैसेज से ही फर्ज पूरा कर देते हैं। जो रिश्ते थे खून के बस आज फोन तक ही रह गए। जरूरत थी मुझे उनकी, जरूरत थी मुझे उनकी और उनके साथ की, वो बस मुझे टेक केयर कह गए। जो कड़ी धूप में साइकिल चलाया करते थे आज एसी के बिना ना निकल सके, कब कार्टून के नाम से ब्रांड्स के नाम याद हो गए पता ही नहीं चला, कब हम बड़े हो गए पता ही नहीं चला। मोहब्बत आशिकी पहले के जमाने की और थी, अब की और है। मैंने तो अपने टाइम में बहुत लव लेटर्स लिखे, पता नहीं आप लोगों ने लिखे है नहीं, आजकल तो बस ब्लू टिक चलता है। जो एक खत के इंतजार में हफ्तों बेचैन रहा करते थे, जो एक खत के इंतजार में हफ्तों बेचैन रहा करते थे आज एक राइट स्वाइप से ही बात खत्म कर देते हैं। कब वो हसीन यादें हैशटैग्स में बदल गई पता ही नहीं चला, कब जिंदगी एक खेल से जिंदगी एक जंग हो गई पता ही नहीं चला, कब हम बड़े हो गए पता ही नहीं चला। थैंक यू। मेरी अगली पोएम का नाम है वो क्या दर्द समझेंगे। वो क्या दर्द समझेंगे जो शाम की किसी पार्टी में विस्की का ग्लास हाथ में लेकर कहते हैं कि इंडिया में इंटॉलरेंस काफी हो गया है। वो क्या समझेंगे कि आज भी इस देश में लोग भूखे ही दिन गुजार लेते हैं बिना दाल और रोटी की शक्ल देखे बिना। रिश्ता टूटने के अगले ही दिन जो कह दे किसी गैर को यू शुड हैंग आउट समटाइम। वो क्या समझेंगे कि आशिकी क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है। कहते हैं जहां सर झुक जाए, जहां सर ना झुक जाए उसे मोहब्बत नहीं कहते, और जो हर मोहब्बत में झुक जाए उसे सर नहीं कहते। वो क्या दर्द समझेंगे जो कॉलेज के दोस्तों से घिरे रहते हैं, स्नैपचैट और इंस्टा की स्टोरीज में छाए रहते हैं। वो क्या समझेंगे कि एक दोस्त बनाने में ना उम्रें गुजर जाती है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। वो क्या समझेंगे, क्या करें जब कोई मुझे मिटाने वाला दोस्त बनकर आता है ना तो दिल पिघल जाता है मेरा, दिल पिघलना किसे कहते हैं। वो क्या समझेंगे, वो क्या दर्द समझेंगे जो जारा से कांच चुराप करके कहते हैं सारा इस तो मिडिल क्लास, वालेंटीनो इज माय चॉइस, मनीष मल्होत्रा भी वैसे इतना कुछ बुरा नहीं है। वो क्या समझेंगे कि मेरा छोटा भाई जब जिद करता है जन्मदिन पर नए जूते दिलाने को तो खाली जेब में हाथ डालकर कैसा महसूस होता है। वो क्या समझेंगे जब मेरी छोटी बहन को स्कूल की फीस के लिए ताने मिलते हैं स्कूल में टीचर से तो कैसा लगता है। वो क्या समझेंगे जो एक बुखार होने पर भी सिंपथी लेते हैं और कहते हैं आई एम नॉट वेल, जो खांसी भी आए तो अस्पताल टेस्ट कराने चले जाते हैं। वो क्या समझेंगे कि मेरी हार्ट पेशेंट माँ अपनी हार्ट की दवाइयाँ ना लाकर मेडिकल टेस्ट ना कराकर उन्हीं पैसों से मेरी कॉलेज की फीस भरती है। वो क्या समझेंगे, छोड़ो साहब वो नहीं समझेंगे। थैंक यू।